हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पॉकी मिक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स। सो गाइस, फेस्टिव सीजन चल रहा है ये, एंड आज का वीडियो है मॉमी टॉक सीरीज में, जहाँ मैं बात करती हूँ ममा बेबी रिलेटेड वीडियोस की। तो यस, दिस वीडियो इज़ अबाउट बेबीज फेस्टिव यू नो आउटफिट्स। तो अगर आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो यू नो बच्चों के लिए, हमारे साथ साथ बच्चों के लिए भी फेस्टिव आउटफिट्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस, जब आप माँ बन जाते हैं तो अपने से ज़्यादा ऐसा लगता है बच्चा सजा धजा रहे, एंड स्पेशली फेस्टिवल्स पे मन करता है कि बच्चे बहुत सुंदर सुंदर लगे। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट आउटफिट्स जो मैंने अपनी बेबी गर्ल नवू के लिए लिए हैं फॉर द फेस्टिव सीजन। तो सबसे पहले मैं आपको दो आउटफिट्स बताऊंगी, दिखाऊंगी जो मैंने जो है खुद डिज़ाइन करवाए हैं, यानी खुद अपने जो है दुपट्टे एंड साड़ी से जो है मैंने नवू की ड्रेसेस बनवाई है। यस, सबसे पहले क्या वीडियो की तरफ बढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट से फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ फन स्टफ आता है, स्टोरीज, रील्स एंड एवरीथिंग। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स, एंड चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस बेबी वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले जो दो आउटफिट्स मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने खुद यू नो अपने दुपट्टे एंड साड़ी से बनवाए नवू के लिए। एंड रीज़न गाइस ये है कि जब कोविड था तो मैं स्ट्रीट मार्केट नहीं जा पा रही थी, ऑब्वियसली कोई भी नहीं जा रहा था, लॉकडाउन था। एंड मैंने नवू के लिए, जब नवू हुई थी तब मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी, स्पेशली फेस्टिव आउटफिट्स। नाउ द थिंग इज गाइज, बच्चों के फेस्टिव कपड़े बहुत महंगे हैं, स्पेशली एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर तो यू नो फर्स्ट क्राई, आजियो, मिंत्रा पे जो है बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मिल जाती हैं, देयर आर सो मेनी अफोर्डेबल ब्रांड्स। लेकिन जब बात बच्चों के पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर, फेस्टिव वेयर की आती है गाइज, इतनी इतू इतू से कपड़ों के इतने चार्जेस ले लेते हैं, मिनिमम से मिनिमम भी जो स्पेशली गर्ल्स के, बेबी गर्ल्स के जो ड्रेसेस हैं एथनिक, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 1500, एंड अब का कोई रेंज नहीं है 3000, 4000। एंड ऑनेस्टली मैं बोलूँगी मुझे वर्थ इट नहीं लगा, बिकॉज मैंने लिए हैं फ्रॉम टॉप ब्रांड टू मीडियम ब्रांड, मैंने सारे ब्रांडेड फेस्टिव वेयर और नवू के लिए लिए थे। बट मुझे ऐसा लगा कि इतना पैसा वेस्ट करना, इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज बच्चे सिर्फ एक सीजन पहनते हैं, उनका साइज बहुत जल्दी बड़ा होता है, एंड उसके लिए 3000-4000 फॉर वन आउटफिट, मेरा तो दिल नहीं माना। सो जैसे इस बार लॉकडाउन खुला एंड मुझे मौका मिला, मैंने अपनी स्ट्रीट मार्केट से जो अंकल हैं यू नो जो मास्टर जी हैं, उनसे फटाफट अपने ओल्ड दुपट्टे एंड साड़ियों से नवू के लिए क्या बनवाया है, लेट मी जस्ट शो यू। गप्पे कम आते हैं, एंड आई नो गप्पे हो ही जाते हैं, सॉरी। सबसे पहला है ये सुपर प्रिटी लहंगा, आप देख रहे हैं ये दिखने में कितना प्रिटी लग रहा है, ये मैंने बनवाया है मेरी क्लहरिया की साड़ी थी जो मैंने मीशो से ली थी, तो वो सुपर अफोर्डेबल साड़ी भी आई थिंक 400 के कुछ की थी, एंड मैंने उसका नवू के लिए लहंगा बनवाया, बिकॉज इसका कलर एंड एवरीथिंग इज सो प्रिटी, एंड स्पेशली आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मुझे तो लहरिया बंदे से बहुत प्यार है, और मुझे लगता है मेरी बच्ची भी पहने, तो मैंने ये बनवाया, एंड दिस इज सो प्रिटी। सो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है, एंड आई मस्ट से कि मेरे जो मास्टर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सिला है, एंड अगर ना मैं फिर किसी बुटीक वुटीक में जाती तो वो भी कम से कम सिलने का ही बहुत महंगा ले लेते, तो आई विल टेल यू इन डिटेल कितना कितना लिया गया है। सो दिस इज़ द छोटू सा ऊपर का जो है क्या बोलते हैं टॉप, एंड ये जो पूरा डिज़ाइन है वो मैंने खुद उनको बताया था डिज़ाइन करके कि आपको ऐसा बनाना है। सो इतना तो यू नो होता है जब खुद फैशन आप इन्फ्लुएंसर हो, तो इतना तो यू नो बचपन से ही मैं ये काम करती हूँ। एंड ये है इसका लहंगा, काफ़ी अच्छा, बच्चों के लिए ध्यान रखिए कि इलास्टिक वाली बनाइए, ताकि उनका साइज़ बहुत जल्दी चेंज होता है, तो आगे से मैंने ऐसा फ्लैट रख, पीछे से मैंने इलास्टिक डलवाया है, एंड ये छोटू सा जो है दुपट्टा बनवाया है विद सारी जो लेस है वो लगवाई है। तो ये पूरा जो मास्टर जी ने सिलाया दैट इज़ फॉर 600 रुपीज़, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी रीजनेबल रेट पे बन गया, बिकॉज यही अगर आप बुटीक पे जाएंगे तो वो ये सब डिज़ाइन सुनते ही यू नो 1000-1200 से कम नहीं लेते बच्चों का, सो आई थिंक क्वाइट रीजनेबल पड़ गया मुझे। एंड नवू लुक्ड सो ब्यूटीफुल इन दिस, मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, यू नो हमने उसकी नवरात्रि शूट की थी, एंड शी वॉज लुकिंग सो क्यूट, मैंने एक एथनिक क्लिप लगा दी थी उसकी जो मैंने फर्स्ट क्राई से ली थी। तो इस तरह ओवरऑल जो है
शी लुक्ड रियली प्रिटी एंड ये मैं उसको दिवाली पे भी पहना सकती हूँ, किसी भी फेस्टिवल में, वेडिंग में, सो दिस इज सुपर प्रिटी। तो इसी तरह आपके पास भी अगर कोई ऐसी साड़ी है जो आप यू नो बहुत बार पहन चुके हैं, मन भर गया, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी, एंड स्पेशली बच्चों के लिए ध्यान दीजिए, बहुत चुभने वाला स्टफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमेशा अंदर की जो लाइनिंग है वो कॉटन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए अंदर से बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कपड़ा, अदरवाइज उनको बहुत इरिटेशन हो जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट आउटफिट जो मैंने बनवाया नवू के लिए, एंड इससे मुझे याद आता है कि मेरी मम्मा भी जो है बचपन में मेरे लिए बहुत ही सुपर प्रिटी फ्रॉक्स बनवाती थी, यू नो टेलर आंटी के पास जाके, एंड वो बहुत प्रिटी लगते थे। तो लोग पूछते थे कहाँ से बनवाया, तो मम्मी खुद यू नो उनको डिज़ाइन बताती थी, एंड अब जब मैं अपने बच्चे के लिए खुद वो कर रही हूँ तो मुझे याद आता है कि मम्मा मेरे लिए कैसे करते थे, एंड एक से एक स्मार्ट ड्रेसेस मम्मी बनवाती थी मेरे लिए। सो सेकेंड जो ड्रेस मैंने बनवाई है दैट इज़ दिस अंगरखा लॉन्ग कुर्ती फॉर नवू। ये मेरा एक बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट दुपट्टा था एक सूट का, विच वॉज अ शरारा सेट, तो उसका मैंने दुपट्टा, वो मैं नहीं पहनती हूँ, तो मैंने उसका जो है दुपट्टा मुझे बहुत सुंदर लगा लहरिया का, तो मेरे दिमाग में आया कि इसका अंगरखा कुर्ता बनवा लेते हैं। नाउ व्हाई अंगरखा कुर्ता? अंगरखा कुर्ता बच्चों के लिए बेस्ट होता है क्योंकि क्या होता है, ये पूरा ओपन होता है, एंड जो डोरी होती है, जब बच्चों का साइज बढ़ता है वो डोरी आप ढीला और टाइट कर सकते हैं, तो मुझे अंगरखा पैटर्न बेस्ट लगता है। इवन अपने लिए भी अगर साइज चेंज होता है तो मुझे अंगरखा जो कुर्ती है वो बेस्ट लगती है। मैं आपको खोल के बताती हूँ अंगरखा का पैटर्न क्या होता है। सो दिस इज़ अ अंगरखा कुर्ती। इसमें क्या होता है, अंदर जो है एक धागा होता है, जैसे ये, इसमें सबसे पहले एक नॉट आएगा इसका, ठीक है, और उसके बाद बाहर से इसमें दो नॉट्स होते हैं जो बच्चों के इधर आते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट अ सिंपल जैकेट कुर्ती, तो बच्चों को पहनना भी बहुत ईजी है, एंड द फैब्रिक इज़ सो सॉफ्ट। ये शिफॉन जॉर्जेट का फैब्रिक था, बहुत ही सॉफ्ट नवू के लिए, एंड पेस्टल कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी जो लेस थी मैंने ओवरऑल इसके नेक में और यहाँ लगा दी और नीचे लगवा दी, तो बन गया मेरा सुपर प्रिटी एक कुर्ता। तो अगर आपको भी अपने बेबी के लिए कुछ डिज़ाइन बनवाना है तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा अंगरखा कुर्ता, बिकॉज मेरी तो नवू ऐसी है कि वो कपड़े पहनने में पूरा घर सर पे उठा लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इस तरह के ओपन पीछे पर लंबी चेन लगवाती हूँ ताकि उसको बिल्कुल दिक्कत ना हो, वरना तो वो ड्रेस पहनेगी ही नहीं। आई एम श्योर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैं फ्रेंड से भी बात करती हूँ तो बोलते हैं हमारी बच्चे भी पूरा ना घर सर पे उठा लेते हैं, तो इसीलिए ओपन चेन लंबी बनवाइए, ओपन कुर्ते बनवाइए बच्चों के लिए, तो वो पहनने में बहुत इजी रहते हैं। सो दीज वर द टू प्रिटी आउटफिट्स जो मैंने अपनी साड़ी एंड यू नो दुपट्टे से बनवाया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, एंड दिस कुर्ती जो है मास्टर जी ने सिली फॉर ओनली 200 रुपीज़, तो मुझे काफ़ी ठीक लगा, एंड मैं तो डेफिनेटली अब हर साल फेस्टिव एंड वेडिंग वेयर में नवू के लिए खुद जो है इस तरह डिज़ाइन करके मास्टर जी से सिलवाऊंगी, बिकॉज बहुत ही रीजनेबल भी मिलता है, आपके बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाता है, एंड आप खुद फैब्रिक चूज़ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, खुद डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं, थोड़ा कस्टमाइज यू नो स्टाइलिश सा हो जाता है। एंड यू नो मैंने एक ऐसी अंगरखा कुर्ती एक बहुत ही टॉप बेबी ब्रांड से ली थी, एंड दैट वाज फॉर आई थिंक 2,500-3,000 रुपये की थी वो, एंड मुझे सीरियसली बहुत उस टाइम दिल पे लगा कि ये कितनी महंगी है। सो फाइनली जब ये इतने अच्छे में मिल गई तो डेफिनेटली अब मैं जो है ऐसे ही बनवाऊंगी, बिकॉज यू नो अगेन इतने पैसे स्पेंड करना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जमा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको शो करूंगी दो तीन आउटफिट जो नवू के लिए दिस ब्रांड सेंट मी नाइशा फैब्रिक्स, बहुत ही अच्छे कपड़े थे, सो आई लव द आउटफिट। सबसे पहला जो आउटफिट उन्होंने भेजा था दैट वाज नवू के लिए रक्षाबंधन पे भेजा था, बट क्योंकि मैं पूरा व्लॉग बनाने वाली थी एंड एवरीथिंग, लेकिन क्योंकि वो नवू के साथ वो बर्निंग इंसिडेंट हो गया था तो मैं कुछ नहीं बना पाई, बट मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में ये फोटो डाला था नवू का पहन के। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिटी कुर्ता कॉटन का जो उन्होंने भेजा, एंड आई थिंक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा फैब्रिक लगा मुझे, एकदम सॉफ्ट कॉटन, एंड दीज आर द पैंट्स, सो नवू उसमें बहुत क्यूट लगी, एंड पीछे अगेन लंबी चेन दी हुई है जिससे कि बच्चा आराम से कुर्ता पहन ले। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मदर है तो आई एम श्योर यू कैन रिलेट। नाउ इस बार भी दे हैव सेंट मी टू आउटफिट्स फॉर नवू, तो मैं डेफिनेटली इसको दिवाली, नवरात्रि एंड जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं नवू को पहनाऊंगी। तो फर्स्ट वन इज इज वेरी क्यूट पीची वाइट, बहुत ही क्यूट समर वाइब वाली ये जो है कुर्ती है, इसमें बहुत प्यारे लेस वर्क है, एंड एब्सोल्युटली लव्ड इट।
एंड इसके साथ उन्होंने भेजा है ये बहुत ही प्रिटी सी पजामी, तो मुझे ये सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई थिंक नबू विल लुक वेरी क्यूट इन दिस। आई थिंक ये पैटर्न भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, सलवार टाइप का पैटर्न विद ए लाइन कुर्ती, मुझे लगता है बच्चों पे इस टाइप का बेस्ट लगता है, तो अंगरखा कुर्ती, ए लाइन कुर्ती इस तरह का उन पर ना अच्छा लगता है, प्रिटी प्रिटी लगता है। तो इस तरह आप डिज़ाइंस भी देख सकते हैं कि बेबी गर्ल्स के लिए यू नो क्या क्या डिज़ाइन है, बेबी गर्ल्स के लिए बहुत डिज़ाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज अ सुपर प्रिटी साउथ इंडियन यू नो सिल्क कॉटन टाइप की ड्रेस है एंड बहुत ही प्रिटी मुझे इसका कलर लगा, पर्पलिश पिंक बहुत ही प्रिटी है एंड पीछे जो है इसमें इस तरह का लेस है एंड इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है जिसको मैंने जब नबू को ट्राई किया तो वो बस इससे खेल ही रही थी बच्चे ऐसे ही होते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट आउटफिट। अच्छा लास्ट आउटफिट, आप ना बच्चों के लिए चिकनकारी सूट्स भी ले सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के मिलते हैं, नबू 1.5 साल की है तो उसके यू नो नाप का पिछले साल मुझे एक चिकनकारी ब्रांड ने भेजा था नबू के लिए विच वॉज अ चिकन लेबल। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं बस आपको चॉइसेस दिखा रही हूँ जो आप बच्चों के लिए अपने स्पेशली छोटे बच्चों के लिए फेस्टिव वेयर में आप क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं। सो इस तरह के अगर आप सिंपल पूजा में उसको पहनाना चाहते हैं, जैसे नवरात्रि में पूजा डे में आप कुछ पहनाना चाहते हैं अपने बेबी गर्ल को, इस तरह चिकनकारी कुर्ती विद जो है चिकनकारी जो है पजामी एंड इसके साथ जो है ये आया है दुपट्टा भी, तो बच्चों के लिए भी इस तरह के आप सेट ले सकते हैं। हमने नबू के साथ इसमें भी फोटोशूट की थी मैंने इसी ड्रेस के साथ एंड बस वो तो नचा देती है, यू नो 100 फोटो में एक फ़ोटो कुछ मिलती है कि यहाँ ठीक ठाक होगी क्योंकि वो भागती ही रहती है, कैमरे के आगे स्टिल नहीं होती। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रिटी सिंपल जो है इंडियन वेयर जो मुझे लगता है कि यू नो बच्चों पर अच्छा लगता है। So guys, this was all about babies, festive wear, outfit. तो प्लीज़ शेयर कीजिए आप लोग अपने बच्चों के लिए फेस्टिव वेयर में क्या लेते हैं, आप खुद सिलवाते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं, किस ब्रांड से लेते हैं, अगर आप लेते हैं स्ट्रीट मार्केट से लेना पसंद करते हैं। मैंने स्ट्रीट मार्केट में भी देखे, इस बार मुझे इतने पसंद नहीं आए इसलिए मैंने खुद ही ना सिलवा लिए नबू के लिए एंड आई एम सो हैप्पी आई डिड इट क्योंकि वो आउटफिट्स बहुत अच्छे यू नो बन पड़े। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया, इफ येस इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलिए एंड सब्सक्राइब कीजिए पोकी मिक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ मैं बहुत सारी अपडेट्स डालती हूँ, स्टोरीज, रील्स, एवरीथिंग एंड यू नो ये जो आउटफिट रिसीव हुए थे मैंने वहाँ डाले थे स्नीक पीक्स, तो काफ़ी अपडेट्स आप मिस कर देंगे अगर वहाँ फॉलो नहीं करते तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पोकी मिक्स, डू फॉलो मी देयर। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, हैप्पी फेस्टिव सीजन, बाय बाय।